फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में ठीक हों, फर्स्ट क्लास हों। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने अपने घरों का सुख चैन और आप लोगों के सब कामों में मुश्किलात में आसानियां अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। A few moments later. तो जी गाइस, हम लोग, मेरी बेटी अब उठी है। क्या टाइम हुआ है? 2:15 हैं और ये मैडम अब उठी है और मैं अब इसको पराठा बना के दिया है। तो ये जो सालन हम खाने लगे भिंडी और वो मटन का था और ये साथ में अचार लगाया और ये मैं अपना पराठा बना के लेकर आई हूँ। तो हम लोग, ये देखिए चूड़ी है, इसने बोतल अपनी अलग से रखी हुई है। ये होता है चूड़ों के काम। 5 hours later. गाइस, मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ शामी टिकियाँ। शामी टिकियों के लिए मैंने ये एक प्याली, मैं बताती हूँ, ये वाली एक प्याली भर के मैंने चने की दाल निकाली थी, वो वॉश करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मैंने तकरीबन 5 बोटियाँ मैंने चिकन की डाली हैं, इस टाइप की हैं। ये देखिए, इस टाइप की मैंने 5 बोटियाँ जो है ना वो चिकन की डाल दी हैं। और एक मैंने थोड़ा सा लार्ज जो है ना बड़ा था ना छोटा, मैंने प्याज लिया वो मैंने ऐड करने लगी हूँ इसके अंदर शामी टिक्कियों। और एक लहसुन का पूरा, ये जो गट्ठी है ना पूरी, इस गंडा बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं समझ आ रही, तो ये पूरी एक मैंने छील के वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और ये सारे मसाले हैं, ज़ीरा 1 चम्मच है, धनिया पाउडर 1 चम्मच है, लाल मिर्च 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच है और हल्दी 1/2 चम्मच था। और मैंने अजवाइन का 1 चम्मच भर के डाला, गरम मसाला 1/2 चम्मच मैंने डाला है और क्या डाला था मैंने, हाँ वो मैंने क्या उसको कहते हैं, सब्ज़ इलायची पीसी हुई ना वो मैंने 1/4 चम्मच डाली है वो भी। तो जी गाइस, मैंने ये 2 ग्लास पानी के डाल के अब मैं इसको ना वेट देने लगी हूँ शामी टिक्कियों की, ये जो मैंने बना रही हूँ मैं इसको वेट दे दूँ। तो जी गाइस, अब मैंने इसको शामी टिक्कियों का मैंने वेट दे दिया हुआ है। अब मैं तकरीबन 15 मिनट इसको लगाऊंगी, फिर इसको मैं घोटने के साथ या फिर जो लकड़ी का चम्मच है ना फिर मैं इसी के साथ ही इसको घोटा लगाऊंगी, फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। तो जी गाइस, एक और आपको थोड़ी सी मैं चावल दिखाऊं। चावल ने वैसे मेरी बच्ची की कामयाबी का राज ये है, समझदारी। इसको मैंने, इसको ये शादी का एक जूता था जो कि मैंने सोचा था कि चलें सवेरा घर पे पहन लिया करना, तो इसकी ये कंडीशन हो गई थी। इसके ऊपर पता नहीं क्या लगा था, अब तो मुझे याद भी नहीं है, बिट्स लगे हुए थे वो ग्लू के साथ इतने ज़्यादा। अच्छा, तो वो गाइस सारे उतर गए हैं, अब ये रफ़ हो गया। अब ये मेरे घर आई है तो इसने तलाशियाँ वलाशियाँ लिया तो ये मेरे पास एक गोटा निकल आया, तो अब ये ना जूते के ऊपर ये लगाना लगा के दिखाओ ज़रा। तो ये गाइस देखें, ये ना जूता इसकी इस तरीके से लगाने लगी है। तो सवेरा ये रख के दिखाना, अच्छी लगेगी वैसे दोनों पे। तो इसमें ब्लू कलर भी थी तो इसने ब्लू नहीं लगाई, ब्लू जो है ना गाइस वो मेरे मुंह से ब्लू बुल निकल रहा है, मेरी अपनी थी बुलवर की है, बुलबुल यानी कि वो क्या कहते हैं, सांड का बच्चा, सांड बुलबुल का बच्चा, मैं इसको सांड भी कह देती हूँ, मैं इसको बेचारी को इतना कुछ कहती हूँ, गुस्सा नहीं करती। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही, हाय नवी बोटी की जुत्ती लग रही है, कि सोहनी लग रही है। चल बाकी रख देनी सारी, मैं इन्नी मेहनत है, पैसे हाय मैं इन्ने पैसे ला के ली थी, ओए मैं मर गई। चल मां चुद के ले 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 ले, मां चुद के जाए मेरा काका छोटा जा, पीछे हो जा, मैं मुझे वीडियो बनाने दे पीछे हो जा। अच्छा बना लो फिर। 20 minutes later. तो गाइस मैंने ना कुकर खोल दिया हुआ था और मैं इसको अब घोटा लगा रही हूँ, बस घोटा लग जाए तो फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बना के फ्रीज कर दूँगी और बेटी को भी दे दूँगी जितनी उसने लेके जानी है, अगर छोड़नी मुझे 2-3 देनी है तो नहीं तो मैंने बनाई उसी के लिए ही है सारी। तो फाइनली बस मैंने ये बनानी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये बन गई है। A few moments later. ये देखिए मैंने अपनी बेटी को काम पर लगा दिया है, चल शामियाँ बना वे ली बैठी हुई हैं, इसने थोड़ी सी बना के रखी हुई हैं। बेसिकली मैंने आपको दिखाना क्या था, दिखाना ये था, ये देखिए मैंने अपनी बेटी के ये बाजू बनाए थे, तो ये देखिए कितनी मैंने स्टोन लगा के ना, तो एक एक स्टोन लगा के फिर मैंने इसको इसके साथ जोड़ा हुआ है और ये थोड़ा सा जाल बना, नहीं रुक जाने दिन चैन नहीं गई, सीधा बाजू सीधा कर, काम जरूरी है, काम जरूरी है भाई, वड के रख दांगी। ये देखिए ना ये इसका बाजू इस तरीके से, और ये जो लास्ट पे मैंने ये देखे ये लगाया, खोल देती है, मैं भी दोबारा करती ऐसे कर थोड़ा सा, ये देखिए ये गिरा इस देख गिरा दी हुई है ऐसे करके बनाई, नॉट बनाई हुई है ऐसे करके बनाई हुई है, मुझे इतने अच्छे लगे थे ये, मैंने नेट पे देखे थे। तो वाह, ये मेरी बेटी का ड्रेस है चिकनकारी का, तो ये भी मैंने खुद से ही लगाया था, तो ये जो छोटे छोटे स्टोन है ये भी मैंने खुद ही लगाए थे। कहाँ स्टोन? हाय मेरी,
गाइस मैंने चाय रखी थी, हाय मेरी चाय उबलने लगी थी, फटाफट मैंने अपनी चाय को देखा, मुझे अपनी चाय से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, और मैं कहती हूँ नहीं मैंने चाय ना बड़ा प्यार है। अभी उबलने लगी थी, मुझे गिरने नहीं देती। सोनी लग रही है। हाँ मेरी चाय सोनी लग रही है। गाइस देखो कितने गुबले गुबले अपने मुंह जैसे बना रही है टिकियां, तोबा मेरी तोबा। मैं से कह रही थोड़ी पतली पतली बनाओ मेरे जैसी, हंस रही है अब। तो मैं अब अपनी चाय डालने लगी इसमें कप में, और मैं ये कप जो थोड़ा सा कुलचा बच्चों ने, मेरी बेटी ने भी एक बाइट लेनी है इसमें। मेरी बेटी ने खाया, इसने छोड़ दिए, और रायान ने थोड़े से चने छोड़े। मैं अब ये दोनों चीज़ें मैं खाती हूँ, चाय साथ पीती हूँ, मैं तो लूँ मज़े थोड़े से इन चीज़ों के। तो फ्रेंड्स आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी, क्यों आ रही होगी, क्योंकि ये देखिए पंखा चल रहा है हमारा। मैंने ये किचन के अंदर ही पंखा चलाया हुआ है, बहुत गर्मी हो गई है तो पंखा चला के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी ना लगे। और कमरों में तो आपको पता है हकी मुसीबत है, गेंडा ज्या कोफ्ते बना रही, कोफ्ते में कोफ्ते, मुँह भी तेरा कोफ्ते वाला ही है, इतना सोना सूट पहन के खड़ी है पागल। तो मैं अपनी चाय पी लूँ और थोड़े चने खाऊँ। अब मुझे मेरी बेटी साहब कह रही मैंने भी एक चम्मच लगवा दो आज चाय, मम्मा अच्छी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पी ले थोड़ी सी। काली काली चाय बनाती है। अच्छा जी अपनी जैसी अब आज मेरी जैसी बनी। चलो जी असी भी हम कुलचे का मज़ा ले लिया, मैंने पहले तो खाया नहीं, अब मैं खाने लगी हूँ। A few moments later. तो फाइनली मेरी बेटी ने अपने बूथे जैसे मोटे मोटे शामे टीके बना दिए हैं, ये कुछ ये बने हैं, कुछ ये बने हैं। अब मैं इनको करने लगी हूँ फ्रीज़। और ये देखें फ्रेंड्स, देखें इसने मेरे से आधी चाय ले ली। आपको पता है चाय बंदा कभी किसी को नहीं दे सकता, पैसे उधार दे दे पर चाय नहीं देती जानी, मगर मेरी बेटी है ना इसने मुझसे मांगी और मैंने दे दी फिर इसको। चलो पी लो सोने। 5 minutes later. ये देखें गाइस मैं आपको ये कोई भी फ्रीजिंग कोई चीज़ रखनी है ना उसको आपको सेव करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ से करना है, सॉरी यहाँ से भी। चलो ये कट कर दिया, अब हम इसे करेंगे साइड के इसके। ये देखें इसको मैंने साइड से कट किया, ये देखें हमने इसको फाड़ दिया है। ठीक है गाइस अब हम इसे रखेंगे, पहले हम रखेंगे ये शामियाँ, 1, 2। अब हम इस पर रखेंगे ऐसे शॉपर, ये देखें आपको साथ साथ मैंने एक क्या कहते हैं मम्मा टिप भी बता दी है इसको सेव करने के लिए। अब ये देखें, ये देखा मेरा आइडिया, ये देखें ये ना हो कि आप फ्रेश फ्रेश रखें, ये फ्रीज हो चुकी हुई है लाइट लाइट, इसलिए हमने रखी है, सेट हो गई थी फिर रखी है इसका कैप। ये देखें हम ऐसे इसको पैक करके इसको आराम से फ्रीज कर सकते हैं और आराम से इसको हम उठा सकते हैं, हमें मुश्किल नहीं होगी कि सारी मेल्ट हो गई हैं हमारी शामियाँ या कुछ भी। चलें गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। 3 hours later. Assalamualaikum guys, आज हम दिखाएंगे आपको चूचे, ये ये इतने सारे कहाँ से लेकर आ गए? तो अगर ये बिल्ली खा गई तो मर गया। इधर सामने लेके आओ, रोशनी में लेके आओ ना, इधर से वीडियोस नहीं अच्छी आ रही। हाँ ये देसी चूजे हैं, आपका क्या नाम है बेटा? नुमान। नुमान, अच्छा। ओए ज़ैनब तो मिली ही नहीं,
जैनब इधर आओ। जैनब इतने दिनों बाद मिली है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जैनब? ठीक है। कहती मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए अब। ये चूजे ने इधर से अंडा दे देना आपके सर पे। ये ला, ये खा ले। सामने हाँ तो सही है, अच्छी बात है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बस बिल्ली से जरा इनको सेव करो। पाँव के नीचे ना आ जाए। प्यारा है। अच्छा ये जो बीमार पड़ा है ये रातों में आपको दिखा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़े, इनके बहुत बड़े बाल हैं। पता उनको उनको डर तो लगता है ना। हाय ना, ओह यो, उनकी कोई हाथ पांव टूट सकते हैं ना। ये बीमार है तो इसके साथ ही साथ दूसरे भी बीमार हो जाएंगे। इसकी बीमारी ना उनको भी लग सकती है। चलो चलो सारे। जय, आप भी उठाएं पैसे जाके। कितने वैसे माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं सारे। कलर कितने प्यारे हैं। आप तो साइड साइड पे हो जाओ, सामने आ जाओ। हादी एक जप्पी दे पाए। इतने दिनों बाद आया मेरा बेटा, मेरे बच्चे का दोस्त है ये। इतने दिनों के बाद आया है। हादी अब बड़े हो गए थोड़े दिनों के बाद ही है। हादी अब थोड़े दिनों में आपकी हाइट बड़ी हो गई है ना। लंबा लंबा नहीं लग रहा। मुंह तो इधर कर ले। हादी प्लाट की सफाई करते हैं चमदार आके। आज गंदी कर रहा है। वो गंद इतना पड़ा हुआ है ना, इसलिए कह रही हूँ। देखे ना कितना गंद पड़ा हुआ है और ऊपर से बच्चों ने भैंसे गिरा दी है। हाँ जैनब चूजा मर गया। कौन से वाला मर है? कौन से वाला मर है? ये रो तो नहीं रहा? हाँ ये तो रो रहे है बच्चों। ये तो मरने लगा है। वो भी मरने लगा है। नहीं मरता। इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। वो डबल वन डबल टू पे कॉल करो। कब्र बनाई है। एक कब्र में तो इंसानों को दफनाते हैं, जानवरों को थोड़ी करते हैं। वो उधर है सारे जानवर। करो करो चलो। बिल्ली बिल्ली बिल्ली